विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कितना बच पाएगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं। और मध्य प्रदेश इसलिए तमाम उन चीज़ों उन राज्यों की अपेक्षा संदिग्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो तीन राज्यों, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से लगती हैं। महाराष्ट्र के हालात आपको पता है, महाराष्ट्र में किस तरह से, चाहे कोविड फर्स्ट वेव का मसला हो चाहे सेकेंड वेव का मसला हो, महाराष्ट्र के हालात बहुत बिगड़े थे। और ये बार बार कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र से ज़्यादा संख्या जो मध्य प्रदेश आती है, ज़्यादा ट्रेवलिंग जो MP और अन्य राज्यों में करते हैं मध्य प्रदेश के रास्ते, मध्य प्रदेश इंदौर से जिस तरह का मुंबई से कनेक्शन है, जिस तरह का ट्रैफिक रहता है, उसके कारण सेकेंड वेव में भोपाल और इंदौर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े थे। लेकिन अब ये डर फिर से सताने लगा है। कारण ये है कि मध्य प्रदेश के बहुत करीब है ओमिक्रॉन। कारण क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से केसेस मिले, जिस तरह से अब महाराष्ट्र की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, और हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे बात गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो। यहाँ पर ओमिक्रॉन पहुँचने के बाद प्रदेश की सरकार सबसे ज़्यादा चिंतित है क्योंकि मध्य प्रदेश जिस तरह से राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश की सीमाएँ जिस तरह से घिरी हुई है, उससे ये डर सता रहा है कि अगर राजस्थान में संक्रमित मिल गए हैं, गुजरात में मिल गए हैं, महाराष्ट्र में मिल गए हैं, तो मध्य प्रदेश अब एक रिस्क जोन में है। राजस्थान की सीमा गुना जिले से भी लगती है, जिसके कारण जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। तमाम बॉर्डर पर कोशिश जारी है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संदिग्ध ना आ पाए या फिर इस तरह से जाँच की जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर इसी तरह की दिक्कत हो तो लोग मिलें, लेकिन अभी किस तरह से ट्रैक करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेकिंग पॉइंट नहीं लगाया गया है राजस्थान से गुना आने वाले प्रवेश द्वार पर, अब तक कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है। लोगों की ना तो स्क्रीनिंग की जा रही है, ना ही ट्रेवलिंग हिस्ट्री दर्ज की जा रही है। यही सब चीज़ें आगे चलकर राज्यों के लिए खतरा बन जाती हैं। रेलवे और बस रूट पर अभी किसी तरह की निगरानी तंत्र सक्रिय नहीं है क्योंकि ट्रेनें चालू हैं, लोगों का आवागमन चालू है, तो अब कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब किसको ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान की सीमा क्षेत्र में स्थित मोतीपुरा में हर रविवार को हाट बाजार लगता है। गुना जिले के 90% दुकानदार जाते हैं खरीदारी के लिए। दोनों क्षेत्रों के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान, आना जाना लगा रहता है। और राजस्थान में ओमिक्रॉन की दस्तक है, यहाँ सतर्कता विशेष जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात चाहे महाराष्ट्र से आने जाने वालों की जाए, या गुजरात से आने जाने वालों की जाए, या राजस्थान से आने जाने वालों की जाए, मध्य प्रदेश रिस्क जोन में है, ये खतरा है। खुद अब सरकार इस दिशा में चिंतित हो गई है, सरकार उन तमाम व्यवस्थाओं में लग गई है, लेकिन कैसे इस खतरे को टाला जा सकता है ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने के बाद इंसान सुरक्षित रह सकता है। अब बूस्टर डोज की भी बारी है, बूस्टर डोज की तैयारी शुरू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इससे निपटने के लिए बूस्टर डोज जरूरी हो जाएगा। एक्सपर्ट्स अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इतना जल्दी जल्दी हर चीज़ हो रही है, चाहे फर्स्ट हो, फिर उसके बाद डेल्टा, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें, जितने वेरिएंट आए हैं, और अब जब ओमिक्रॉन की बात हो रही है तब भी यही महत्वपूर्ण है कि क्या नेचर है, कितना समय चाहिए, कैसा एंटीबॉडी कैसे डेवलप होगी, किस तरह से इसके लिए वैक्सीनेशन क्या कितना महत्वपूर्ण रहेगा, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, या फिर बूस्टर डोज की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियाँ। फिलहाल सतर्क रहिए, सावधान रहिए और वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है सरकार, इसलिए जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो कृपया वैक्सीन लगवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।